मसरूफियतें दिन और रात को इस तरह से घेरे हुए थीं कि ना दिन को रात का की खबर थी और ना रात को दिन की सुध-बुध थी। और ऐसे में अपनों की नाराजगी तो वाजिब ही थी, और नाराजगी का अंदाजा तो था हमें, नाराजगी का अंदाजा तो था हमें, लेकिन नाराजगी बगावत पर उतर आएगी इस बात का शुबा नहीं था। कहते हैं कि जो लोग हमें समझते हैं, अगर हम उन्हें ना समझें तो उनकी समझ थोड़ी सी ज्यादा समझदार होकर हमें असमंजस में डाल देती है कि अब उन्हें कैसे समझाया जाए। खैर, समझाने की बात तो दूर थी, और अभी तो फिलहाल ये आलम था कि नाराजगी बगावत और बगावत से धीरे धीरे खामोशियों की ओर बढ़ने लगी थी। इस बार ये नाराजगी, ये बगावत और ये खामोशियां हमारे ख्यालों की थी। बहुत दिनों से हमने उनसे कोई बात जो नहीं की थी, और बात ना करने की बात इतनी बढ़ गई थी कि वो खामोशियों की ओर चल पड़ी थी। खैर, अब उन्हें कैसे मनाया जाए, आप ही बताएं। फिलहाल उनको मनाने के लिए मैं एक कोशिश तो करके देख लेती हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं कि किन्हें हमारा ख्याल आया है। हेलो, हाँ जी सिमरन जी, क्या हाल है जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुरध्यान जी, आप कैसे हैं और आपके हम सफर कैसे हैं? बहुत बढ़िया है जी। हम 2-3 दिन बिजी रहे हैं, वो हमारे गेस्ट आ गए थे कनाडा से, तो अच्छा जी, तो फिर आपने अपने गेस्ट को प्रोग्राम नहीं दिखाया? वो हम घर में नहीं थे, उनको लेके चले गए सिटी में घूमने के लिए। हाँ अच्छा जी, तो मसरूफियत रही जी आपकी और आपके ख्यालों की और आपके हम सफर की। हाँ हाँ जी, तो फिर हमने आज 1 बजे टीवी ऑन किया तो उस टाइम पे आपका प्रोग्राम देख रहे थे। हाँ और जब हमने जिक्र किया था कि शायद आप हमसे नाराज जी, हैं हाँ जी, आप नाराज नहीं हो सकते कभी भी जी। रिपीट शो देख रहे थे आप, है ना? हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो हाँ जी, तो देखते हैं, हम तो शो डेली देखते हैं आपका। चलिए, अच्छा लगता है गुरदयान जी। तो आज आप क्या बात शेयर करेंगे हमसे? हमने बस यही है कि जब आप टीवी पे आ रहे हो, हमें ये अच्छा लगता है जब आप बातें करते हो, नगमे अच्छे अच्छे पेश करते हो, तो हमें भी जो पिछली हमारी यादें हैं कई सामने नजर सामने आ में जाती आ हैं, जाती हैं बिल्कुल बिल्कुल। तो तो कोशिश तो यही रहती है इसलिए गुरदयान जी कि आप उन ख्यालों को हमेशा अपने साथ रख सकें जो कभी आपका ख्याल रखते रहे हैं। हाँ हाँ जी हाँ जी, तो वो हम इसीलिए तो कभी फिर वो ख्याल जो है पीछे ले जाते हैं उस टाइम पे, तो बिल्कुल, अच्छा लगता चलिए, हमें भी बहुत अच्छा है। हाँ लगता है जी गुरदयान जी जब आप कॉल करते हैं और कॉल करके ये बताते हैं कि आप हमारा भी ख्याल रखते हैं। ठीक हाँ है, जी हाँ जी, चलिए, तो थैंक्स फॉर कॉलिंग, और और कुछ सुनाओ। बस बढ़िया, और आगे के लिए कोई फरमाइश हो तो ज़रूर बता दीजिएगा। मेरी वैद से बात करना, 1 मिनट। हाँ जी हाँ जी, हेलो, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? हम तो बरियाल देख के बहुत अच्छे हो जाते हैं और मैं आपकी मीठी मीठी सी आवाजें सुन करके बहुत अच्छे हो जाते हूँ। हाँ हम तो माया ही बहुत अच्छे हो, बहुत सोने हो, बोल रहे बहुत अच्छे हो। थैंक यू सो मच, मैं थैंक तुम्हारे यू सो मच, को बहुत मिस करती हूँ, जब तुम बोल रहे बोलते हो बहुत अच्छे बोलते हो। थैंक यू सो मच। और जब आप भी हमसे बात करते हैं, दिल से बात करते हैं ना, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी हाँ जी ठीक है हाँ जी हाँ जी, ठीक ठीक है, है, हाँ थैंक्स फॉर कॉलिंग। जी, ओके जी ओके। ओके जी, देखिए, जिक्र आज हमने ख्यालों का शुरू किया तो फिर बहुत से ख्याल हमारे इर्द गिर्द भी आने लगे। जिक्र आज कहते हैं कि ख्यालों का है, जिक्र आज रूठने ने मनाने का नहीं है, जिक्र आज उन ख्यालों का है जो ये फर्क बताते हैं कि ख्याल में रहना, ख्याल में आना, ख्याल में होना और ख्याल करना, और
खुल करके ख्याल कहने का क्या फर्क होता है। ऐ ख्याल, जरा उनका ख्याल करना जिनके ख्याल में हम रहते हैं। ऐ ख्याल, जरा उनका ख्याल करना जो हमारे ख्यालों में रहते हैं। ऐ ख्याल, यूं ही वक्त बेवक्त मत चले आया करो, जरा वक्त का भी ख्याल किया करो। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, और अब देखते हैं कि कौन किसका ख्याल रख रहा है। हेलो। हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, वेलकम टू दी शो दिल की ओपन स्टेज। मैं जान सकती हूँ किन से बात कर रही हूँ? मैं जसवंत कौर हूँ, अमेरिका से बोल रही हूँ। जसवंत जी, वेलकम टू दी शो। आज आपने फर्स्ट टाइम कॉल किया है। हाँ जी, हाँ जी, बताएं। आज मेरे बेटे का बर्थडे है, गुरप्रीत सिंह है उनका नाम, तो कोई आप बर्थडे का गाना सुनाए, क्योंकि हम अभी केक काटने लगे हैं। हाँ, आप उनका केक उनके लिए काटिए, और हमारे दिल की ओपन स्टेज की पूरी टीम की तरफ से, हमारी तरफ से और हमारे सारे व्यूअर्स की तरफ से आपके बेटे को मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो आपको गाना सुना देना बर्थडे का, तुम जियो हजारों साल। मैं जरूर कोशिश करूंगी, मैं जरूर कोशिश करूंगी। बच्चे होते हाँ। ठीक है, कोशिश ज़रूर रहेगी, अगर नहीं होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो सिरेवार ही आगे बढ़ती हैं। हाँ, तो अच्छा। पूरी कोशिश करूँगी। मैंने अपने पोते हाँ। को कहा है कि अभी तेरे पापा का नाम भी आएगा टीवी में, गाना भी आएगा, वो देख तो आप ज़रूर उनको बोलिए, गुरप्रीत जी, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर होल ऑफ द लाइफ, फॉर खूब अच्छे से आपका ये साल जाए। ये विश दिल की ओपन स्टेज की तरफ से और उनके सारे व्यूअर्स की तरफ से है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। हेलो, हेलो, हाय, हाय, यू मस्ट बी एक्सपेक्टिंग माय कॉल टुडे। हाय, हाउ आर यू अंजलि जी? आई एम गुड, थैंक यू, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। Okay, you know this song, particularly from Kalapani, mm-hmm. you know, mm-hmm. that reminds me that Devanand in his autobiography, mm-hmm. Romancing with Life, mm-hmm. has mentioned when the shooting of this song was going on, mm-hmm. the president of Indonesia came to watch the shooting. Okay. You know, yeah, mm-hmm. he was, of course, he wanted to see Devanand also, mm-hmm. but he liked Madhubala very much, mm-hmm. you know. Mm-hmm. So he came specifically to see the shooting of the film. Wow. You know many but things about all this. His autobiography. Okay. मैंने कहा आपको बहुत सारी चीजें ये सब पता रहती है ना, पूरे बैक स्टोरीज। बिल्कुल बिल्कुल, as much information as possible, and that's the fan club that we have, which is having about 2000 members. They also go on writing to me so many things which I don't know sometimes, you know, but they give me so much information about this. Yeah. बड़ी शिद्दत है, मतलब आपके जो आप उनके लिए, मतलब कहते हैं कि ऐसा जो इश्क है और ऐसा जो प्यार है वो आमूमन दुनिया में तो नहीं मिलता है। I was really a fan, you know, since his CID, which I saw when I was so young, you know, and then I didn't get that opportunity to meet him when I was in London, which I really missed, you know. Yeah, I really miss, and then of course everything got so busy. Yeah. So now that I'm relaxing, and when I saw you on TV, I said, "Oh my God, she will really help me to do the songs." And you're doing exactly that. Yeah. Thank you so much for that. Most welcome, Anjali ji, and be in touch. Thank you, Simran ji. Nice of you. So much. Thank you so much. Thank you so much. Sorry. बात हम ख्याल की ही कर रहे थे, तो ख्याल वही हुआ ना, जो देखिए इतने सालों से अंजलि जी के ख्याल में देवानंद जी रहते हैं और वो उस ख्याल को ही कितना एंजॉय करते हैं। कई बार क्या होता है कि जब आपस में कितना भी गहरा रिश्ता हो,
चाहे कितना भी गहरा रिश्ता हो लेकिन ख्याल अगर मैच नहीं करते हैं एक दूजे से तो रिश्ते निभाने मुश्किल से हो जाते हैं। लेकिन अगर ख्याल रखने का ख्याल ख्याल मैच करने से ज़्यादा हो तो फिर रिश्ता गहरा हो या ना हो रिश्ते निभी जाते हैं, साथ निभी जाता है, साथ साथ चीज़ें चलती ही रहती हैं। कहते हैं कि गुजर गई उम्र हमारी तुम्हारे ख्याल में एक तुम थे कि तुम्हें हमारा ख्याल भी ना आया। और अगर हम बात ख्यालों की करें तो अक्सर हम ख्याल की बात करते ही रहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक ख्याल दूसरे से कभी मैच भी कहाँ करता है। और वैसे भी हमें अपने ख्यालों से बातें करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे तो फिर ये ना हो कि अगर जो लोग हमारा ख्याल करते हैं और अपने ख्यालों से दोनों से हमें बातें करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो ये ना हो कि कहीं जो हमारे साथ चलने वाले लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ ख्यालों में ही रह जाएं। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और अब देखते हैं कि किसको हमारा ख्याल आया है या हमारे बहाने किसी और का ख्याल आया है। हेलो हेलो, वेलकम टू द शो दिल की ओपन स्टेज। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। हम रोज सुनते हैं इसको और बहुत अच्छे अच्छे गाने देते हैं। आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम नीता है। हाय नीता जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं अगस्ता जॉर्जिया से बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा जी, तो फिर आज दिल की ओपन स्टेज है, तो क्या ख्याल या क्या बात आप दिल की शेयर करेंगे हमसे? कभी टाइम मिले तो बताइए बताइए। आप टीवी मत देखिए, आप मुझसे फोन पर बात करिए। वो जो गाना है ना, वो तुमको देखा तो ख्याल आया, तुमको देखा तो, कभी हो सके तो वो। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर कोशिश करूंगी। और आप हमें बताना जरूर कि किसको देखा तो ख्याल आया। ठीक है जी, थैंक्स फॉर कॉल। थैंक यू सो मच। देखिए, बात ख्यालों की हो रही है तो बहुत से जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत सी बातों का और बहुत जो आपस के लोग हैं, जो अपने लोग हैं, उनका ख्याल आया। कहते हैं कि ज़िंदगी के हर सफ़र में हम सफ़र नहीं होते, ज़िंदगी के हर सफ़र में हम सफ़र नहीं होते, कुछ सफ़र हमें ज़िंदगी में अकेले ही तय करने होते हैं। और अगर किसी से ख्याल मैच ना करें तो फिर ज़्यादातर सफ़र अकेले ही चलते हैं। लेकिन अगर किसी के ख्याल दूसरे ख्याल में सुर मिला लें तो फिर ख्यालों का जो सुर है वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ने लगता है। कहते हैं कि जब हमने बात और ज़िक्र ख्याल का किया तो सभी को बहुत सारे पुराने ख्याल भी आ गए, और फिर इन्हीं ख्यालों ने हमारी और आपकी बात को भी आगे बढ़ाया, क्योंकि हमारे और आपके ख्याल मैच कर रहे थे। कहते हैं कि मुस्कुराते रहोगे तो ज़माना भी आपका है गालिब, वरना आंसुओं को तो आँखों में भी जगह नहीं मिलती। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि आंसू भी वही ज़माना देता है। कहते हैं कि तेरा फिक्र, तेरा ज़िक्र, तेरा एहसास क्यों है हर जगह, तू खुदा तो नहीं, फिर ये सब हर जगह क्यों है? जानते हैं क्यों है? जो तेरा फिक्र, तेरा ज़िक्र, जो अगर तू खुदा नहीं फिर भी हर जगह है, तो वो क्या है? जानते हैं क्या है? वो है अपनों का ख्याल, वो है वो ख्याल जो हमारे साथ हमेशा रहता है, वो ख्याल जो हमेशा हमारे महबूब की बात कहता है।
हमारे हर गीत और हर गज़ल का ख्याल वो थे और हमें वो ये कह कर छोड़ कर के चले गए कि हम उनका ख्याल नहीं रखते, इससे पहले कि हमारे व्यूअर्स में भी कोई और हमारा ख्याल रखना छोड़ दे, तो हम किसी किसी का ख्याल तो रख ही सकते हैं।